हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों चैप्टर 11 क्लास 7 हिंदी का पढ़ेंगे, कबीर के दोहे। ठीक है, और इसका अर्थ को समझेंगे भावार्थ सहित। पहला उनका दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, काल का मतलब हो गया कल। ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं बच्चों कि जो काम हमें करना है वो हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, मतलब आने वाले समय पर नहीं टालना चाहिए। कबीर दास जी समय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जो काम आपको कल करना है वह काम आप आज ही कर लें, और आज ही क्या अभी कर लें। ठीक है, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। इसका भावार्थ यह हुआ बच्चों कि कब किस समय क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, किस समय कौन सी घटना हो जाए, आने वाला समय क्या दिखाएगा ये किसी को नहीं पता। भविष्य के बारे में हम नहीं जानते, जो भी है वह सत्य है, वह हमारा वर्तमान है। जो भी कार्य करने हमको वर्तमान में कर लेने चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। कई बार कैसा होता है कि अगर हमें पता है कि इस काम को करने में हमारे पास, किसी भी काम को करने में 15 दिन का समय है, तो हम क्या करते हैं, उस काम को टालते जाते हैं। और जब एकदम समय पर वो आ जाता है तब हम उसे बिल्कुल एंड टाइम पर उस काम को करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी काम को समय पर टाल दें तो जिस समय हमें वो काम करना होगा उस समय ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हम दूसरे काम में लग जाएंगे और वह हमारा काम छूट जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पल में परलय होगी, ये जीवन किसी का भी निश्चित नहीं है। ठीक है, समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक बार जब समय निकल गया तो वह दोबारा समय नहीं आता है। बहुत सारी चीजें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अगर स्वास्थ्य हो, पैसा हो, और भी बहुत सारी चीजें हम फिर से पा सकते हैं, लेकिन समय जो एक बार चला गया वह हम दोबारा नहीं पा सकते। बहुरी करेगा कब, मतलब अगर वो काम आपका छूट जाता है या कोई काम आपका अधूरा रह जाता है तो बहुरी का अर्थ हो गया दोबारा। तो दोबारा उस काम को आप कब करिएगा। ठीक है, तो यह जीवन निश्चित नहीं है, भविष्य हम जानते नहीं, कल का हमें पता नहीं, कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें सारे काम समय पर कर लेने चाहिए। ठीक है, कल पर नहीं टालना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह इसका अर्थ हुआ भावार्थ। और एक बात और बच्चों, जब भी हम कोई भी हिंदी की कविता या दोहे पढ़ते हैं तो कभी भी हिंदी के शाब्दिक अर्थ पर हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कविता का हमेशा एक भाव होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उसका भावार्थ। ठीक है, भाव मतलब क्या हो गया, उसका एक्सप्रेशन, मतलब उसका भाव क्या है, और हम उसको भावार्थ के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोहा लिखा है, इसका भावार्थ हम क्या लिखेंगे। कबीर दास जी समय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, जो कार्य कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। किसी का जीवन निश्चित नहीं होता, आने वाले समय में क्या होगा यह क्यों कोई नहीं जानता। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, मैंने छोटा लिखा है इसका भावार्थ थोड़ा, क्योंकि बहुत बच्चों का हमेशा कमेंट रहता है कि मैम आंसर छोटा दीजिए, तो यह हो गया इसका स्पष्ट भावार्थ। लेकिन आप इसमें 2-4 लाइन और भी लिख सकते हैं, जैसे जो लिखना चाहें, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि समय की महत्ता को हमेशा महत्व देना चाहिए। ठीक है, समय को हमेशा महत्व देना चाहिए, जो समय को महत्व देते हैं वो सफल होते हैं। समय जब एक बार चला जाता है तो वह दोबारा वापस नहीं आता। ठीक है, कल क्या होगा, आने वाला भविष्य, समय कोई नहीं जानता, जो भी है हमारा आज वर्तमान है। ठीक है, अगर हम किसी काम को करते हुए आधे में छोड़ देते हैं तो अगर हमारा समय कल अच्छा ना रहा तो वह कार्य को हम दोबारा नहीं कर पाएंगे, या उस कार्य को हम दोबारा कब करेंगे। पल में परलय होगी कि अगर कुछ घटित हो जाता है, कोई घटना हो जाती है या ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम वो कार्य नहीं कर सकते तो हमें वो कार्य नहीं कर पाते समय पर। ठीक है, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए हम लोग दूसरा भावार्थ देखते हैं।
तो चलिए दूसरा दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ठीक है, साईं का अर्थ हो गया ईश्वर या भगवान, साईं का अर्थ हो गया ईश्वर या भगवान। कुटुम का अर्थ हो गया सगा संबंधी, ठीक है, सगा संबंधी जो हमारा परिवार होता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बस उतना ही दीजिए, क्या दीजिए, धन वैभव जो भी है मुझे उतना ही दीजिए, जामे कुटुम समाए, जिसमें मेरे परिवार या मेरे सगे संबंधी जो है मैं उनका पालन पोषण कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं यानी मुझे भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मैं भूखा ना रहूं, और साधु, साधु मतलब सज्जन, ठीक है, संत या सज्जन अच्छे व्यक्ति जो भी मेरे द्वार पर आए, मेरे घर पर आए, जो भी मेहमान अतिथि जो भी मेरे घर आए वो भी भूखा न जाए, इनका यही कहना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है, धन संपत्ति वैभव प्रतिष्ठा, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जो है, इंसान जो है उसके अंदर घमंड आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये कबीरदास जी कहते हैं कि वह मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके, मुझे भी कोई कष्ट ना हो, मैं भूखा ना रहूं, और हम मेरे घर जो आने वाले अतिथि और मेहमान है उनको, उनका भी मैं पेट भर सकूं, वो भी भूखा ना रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोहा लिखा है, इसका भावार्थ हम क्या लिखेंगे, कबीर दास जी कहते हैं हे प्रभु आप मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मैं अपना और अपने परिवार, कुटुम्ब जो हमारा परिवार है, परिवार में ही हमारे ही पत्नी बच्चे पिता माता जो सगे संबंधी होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, सगा मतलब, सगा कौन होता है, अपना माता पिता, अपने बच्चे पति पत्नी भाई बहन, ये जो हो गए सगे और संबंधी, जिससे हमारा परिवार बनता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं तथा मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार से संत जन भी भूखा न जाए। संत जन की जगह आप अतिथि या मेहमान भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला दोहा है बच्चों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। ठीक है, तो निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, जो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, नियरे मतलब पास। तो कहते हैं कबीरदास जी कि जो आपका, आपकी निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, जो आपकी बुराई निकालता है, आपकी कमियां निकालता है, आपकी गलतियां जो आपको बताता है, उसको अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। और अपने साथ रखिए का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि उनसे कभी भी दूरी बनाकर मत रखिए। क्या होता है ज्यादातर कि अगर हमारी कोई निंदा करता है, हमारी कोई बुराई करता है, तो हम उसे नाराज हो जाते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और हम उसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से संबंध बना कर रखिए, आंगन कुटी छवाए, ठीक है, और अपने मन में उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का घृणा मत रखिए। ठीक है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी नाराज, निंदक का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि निंदक जो होता है, जो निंदा करता है आपकी, आपकी जब बुराई बताता है, आपकी जब कमियां और गलतियां बताता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि हमारे अंदर कमी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, और हमारे मन में यह विचार आता है कि नहीं हम इसमें सुधार लाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चों कि हम दूसरे की कमी और दूसरे की गलती तो झट से देख लेते हैं, ठीक है, हम दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा गलत किया। लेकिन जब हम जो कार्य करते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, हम अपने व्यवहार का विश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाते, हमें अपनी कमियां अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, और हमारी कमी और गलती दूसरे ही हमें बताते हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जब अपनी गलती को सुनते हैं और उन्हें लगता है, उनके मन में विचार आता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
मुझे अच्छे से बोलना चाहिए, तो अपने मन में उसकी विचार आता है और वो अपनी कमियों को सुधारने लगता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपने स्वभाव को बदलता है और उसका स्वभाव धीरे धीरे निर्मल मतलब अच्छा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो बिन साबुन पानी बिना, और जैसे कि शरीर को साफ करने के लिए, किसी वस्तु को साफ करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे स्वभाव को, व्यवहार को निर्मल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यह इसका अर्थ हुआ। चलिए इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दोहा लिखा है और इसका भावार्थ हम क्या लिखेंगे। निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में अच्छे भाव होने चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी कमियां बताते हैं, जिन्हें दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल और अच्छा बना सकते हैं। निंदा सुनकर ही, ठीक है, निंदा सुनकर ही, यहाँ पे देखिए, निंदा सुनकर ही हमारे अंदर स्वयं को सुधारने और स्वभाव को अच्छा बनाने का विचार आता है। ठीक है, और जब हम अपने स्वभाव को अच्छा बनाते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हम किसी भी कार्य में सफलता भी पाते हैं। ठीक है, हमारा संबंध भी अच्छा बनता है। तो बच्चों, अगला दोहा है हमारा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु का अर्थ होता है सज्जन, संत जन। ठीक है, संत जन यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। तो कभी भी किसी भी अच्छे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को हमें देखना चाहिए, वो किस जाति से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान। जिस तरह से तलवार का मोल होता है, यानी कि तलवार की जो धार होती है, वो कितनी धार उस तलवार में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह के म्यान में रखा हुआ है। ठीक है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता, महत्व तो उस तलवार और उस तलवार की धार का है। क्या तलवार की धार अलग अलग प्रकार के म्यान में रखने से उस तलवार की धार बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। तलवार की धार वैसी ही रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह के प्रकार के म्यान में क्यों न रखी हो। उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति का ज्ञान, उसका जो व्यवहार है, उसका जो ज्ञान है, वो ही मोल होता है, न कि उसकी जाति का। ठीक है, तो इसका भावार्थ बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का। ठीक है, चलिए बच्चों, हमारा अगला दोहा है, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, अके धक्का दरार। जुड़े मतलब जुड़ना, टूटे मतलब टूटना। सज्जन साधु जन मतलब अच्छे व्यक्ति, दुर्जन का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट व्यक्ति या धूर्त व्यक्ति। ठीक है, एक के धक्का दरार, दरार मतलब किसी भी चीज में जब दरार पड़ जाती तो वह टूट जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सोना, सोना को अगर कई बार भी हम तोड़े तो उसे बार बार तोड़ने के बाद भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सोना को अगर हम कई बार तोड़े तो उसे दोबारा जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन साधु जन होते हैं, संत जन होते हैं, जो सज्जन और अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह भी हर परिस्थिति में, ठीक है, चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, वो हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, किसी भी विषम परिस्थिति में, वो एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, वो एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, वो अपनी परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, वो किसी भी परिस्थिति को क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उनका व्यवहार एक जैसा रहता है। वो हर परिस्थिति में, हर अवस्था में एक जैसे रहते हैं और वो भले ही रहते हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में वो भले ही रहते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट और धूर्त या बुरा व्यक्ति जो होता है, वो जो कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है,
कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो कुम्हार के घड़े की तरह होता है दुर्जन व्यक्ति, कि जब उसके सामने कोई विकट परिस्थिति या ऐसी कोई भी समस्या आ जाती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाती है कि जब उसे क्या होता है कि उस परिस्थिति का वो सामना नहीं कर पाता है और एक ही धक्के में एक ही बार में वह टूट जाता है और ऐसा टूटता है कि वह दोबारा फिर जोड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह हुआ, भाव यह हुआ कि हमें हर परिस्थिति में ठीक है एक जैसा रहना चाहिए, हमारा व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, हमें परिस्थितियों से समय से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका भावार्थ बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, चलिए इसका भावार्थ हम लोग देख लेते हैं। सोना को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो भी उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार भले और सज्जन मनुष्य हर अवस्था में भले ही रहते हैं। इसके विपरीत दुष्ट या बुरा व्यक्ति कुम्हार के घड़े की तरह होता है जो एक बार टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता। ठीक है, अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो देखिए बच्चों, आखर का अर्थ होता है अक्षर। ठीक है, पोथी मतलब किताबें, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़कर, पंडित का यहाँ अर्थ पंडित नहीं है, पंडित का यहाँ अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है, जिसके पास ज्ञान हो। तो कबीर दास जी कहते हैं बड़ी बड़ी का अर्थ होता है किताब। ठीक है, तो बड़े बड़े किताब पढ़कर भी ठीक है बहुत सारे लोग मतलब चल गए, मतलब इस दुनिया से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर चल गए। पंडित भया न कोई, तो जितने भी लोगों जो बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़े वो चले गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किताबें पढ़ लेने से ही उनको ज्ञान हो गया। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, जो दो शब्द प्यार के बोल लेते हैं। ठीक है, दो शब्द जो प्यार का बोलना सीख गया, यानी प्यार का जो वास्तविक ज्ञान, ठीक है, प्यार और स्नेह का जो वास्तविक ज्ञान है जिसको मिल गया, वही जो है क्या हो गया बच्चों, वही ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, वही ज्ञानी कहलाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि सिर्फ किताब पढ़ लेने से ही हमें ज्ञान नहीं मिल जाता, अगर हम किताबें पढ़कर बहुत बड़े बन भी गए, बहुत ऊंचे पद पे हैं या बहुत मान सम्मान है, लेकिन आप किसी से दो शब्द अच्छे से बोल नहीं पा रहे, आप किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे, आप किसी से प्यार से दो शब्द बात करके उसको इज्जत नहीं दे रहे, तो वो ज्ञानी नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति जो किसी से दो अक्षर प्यार से बोलता है, दूसरे को सम्मान देता है, ठीक है, वही जो है ज्ञानी होता है। ठीक है, यानी कि पढ़ लिख कर हमें अपने उस ज्ञान को समझना चाहिए, प्यार की वास्तविकता को समझना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, देखिए यहाँ पर इसका भावार्थ लिखेंगे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मर गए पर सभी विद्वान या ज्ञानी न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम के दो शब्द ही पढ़ ले, अर्थात पढ़ ले, ठीक है, दो शब्द प्यार की अगर वो पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। ठीक है, हमारा अंतिम दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा ना कोई। ठीक है, यानी कि कबीर दास जी कहते हैं जब मैंने इस संसार में, ठीक है, जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को देखना चाहा या बुरे लोगों को जब मैंने खोजा तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। ठीक है, कोई भी बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने अंदर झांका, अपने आप को देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि हम हमेशा यह सोचते हैं कि सामने वाला बुरा है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई बुराई या कमी दिख जाती है, लेकिन अगर हम कभी अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अपनी अंतरात्मा को झांक कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि हमसे भी बुरा
कोई नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बुराई है, हमारे अंदर भी कमियां और गलतियां हैं, जिसे पहले देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका भाव क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, इसका भाव लिखेंगे भावार्थ। या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने अंदर झांका, ठीक है, जब मैंने अपने अंदर झांका, अपनी अंतर आत्मा में खोजा, तो मुझ तो यह पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं।